हेलो, एएसए चैलेंज में आपका स्वागत है। आज चैलेंजर जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कैट एमबीए और सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर नंबर सिस्टम का है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। फाइंड द फाइनल डिजिट ऑफ मिलियंथ नंबर ऑफ दिस सिक्वेंस। इसमें ये क्वेश्चन एक साइक्लिसिटी का है। साइक्लिसिटी क्या कहते हैं? एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर की होती है जिसमें नंबर फिर से रिपीट होते हैं। जैसे यूनिट प्लेस पे 7 का पावर 1 करें तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 7। और 7 स्क्वायर करें तो इकाई के स्थान पर यानी 49 होगा, तो 9 आएगा, एक डिजिट इधर होगा। 7 का क्यूब करें तो ये 343 होगा, 2 डिजिट, और यहाँ 3 होगा। 7 का पावर 4 करें फिर इसमें एक बार और 7 से मल्टीप्लाई होना है तो आएगा 1। फिर 7 का पावर 5 करोगे तो फिर आएगा 7 यूनिट प्लेस पे। 7 का पावर 6 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे फिर आएगा 9। 7 का पावर 7 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे फिर आएगा 3। और 7 का पावर 8 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा फिर 1। यानी 3 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, ये 4 नंबर इकाई के स्थान पर आते रहेंगे। ये 4 नंबर्स इकाई के स्थान पर आते रहेंगे, यही 4 नंबर आएंगे, कोई और नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 नंबर यहाँ पे आते रहेंगे और इस 4 नंबर को हम कहेंगे कि ये क्या है कि यही यूनिट प्लेस पे आएगा। इसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी। कितनी साइक्लिसिटी है? तो इसकी साइक्लिसिटी है 4। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नंबर 3 की बात करें तो 3 की साइक्लिसिटी जो है, 3 का पावर 1 करने पर 3 आएगा, 3 का पावर 2 करने पर क्या आएगा फिर 9, 3 का पावर 3 करने पे आएगा 7, 27, 7, और 3 का पावर 4 करने पर सिटी 4 होती है। तो ये साइक्लिसिटी जो करेक्टरिस्टिक्स है इसी को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कि साइक्लिसिटी क्या होगी और इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। देखो, 3 का पावर 4 पे भी इकाई के स्थान पे 1 है और 3 का पावर 8 है तब भी इकाई के स्थान पर 1 है। यानी नंबर अगर पावर 4 के मल्टीपल हो तो ये इकाई के स्थान पर क्या आएगा? तो 1 आएगा। यही चीज यहाँ पे है। देखिए, 7 का पावर जब 7 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 का पावर 1 करने पे 7 है, और 7 का पावर 7 करेंगे तो ये 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो इसका मतलब इकाई के स्थान पर 3 आएगा, मतलब इसमें यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। और 7 का पावर 7 हो तो इसका मतलब फिर 3 का पावर 7 हो गया, क्योंकि 7 का पावर 7 3 आएगा इकाई के स्थान पे, और उसका पावर फिर 7 होगा। तो 3 का पावर 7 आने का मतलब ये हुआ कि वो भी 4 से भाग देंगे तो 3 का पावर 3 की कैटेगरी में आएगा, यानी इकाई के स्थान पर उसमें क्या आएगा? 7। अब फिर 7 का पावर 7 का पावर 7 का पावर 7 हो तो इसका मतलब इकाई का पावर फिर 7 आ गया, और 7 का पावर 7 फिर करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो इसमें इकाई के स्थान पर 3 आएगा। तो एक टाइप का नंबर हुआ कि 7 का पावर जब 1 हो तो कितना आएगा? 1 है, यानी पहले नंबर में आ रहा है 7, दूसरे नंबर में आ रहा है 3, तीसरे में आ रहा है 7, चौथे में आ रहा है 3, फिर पांचवे में आएगा 7। यानी ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पावर अगर 1 है या 3 बार है, तीसरे में है 7, चौथे में है 3, पांचवे में फिर 7, छठे में 3, इवन में इकाई के स्थान पर 3 आएगा और ऑड में 7 आएगा। मिलियंथ नंबर इवन नंबर है इसलिए इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 3। तो 3 इसका है सही जवाब। ये है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। इसी तरह से ये है सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर, ये है फोर्थ सीक्वेंस का फोर्थ टर्म, और इसी तरह से फिफ्थ में। यानी इवन जब है तब क्या आ रहा है? 3, और ऑड है तो क्या आ रहा है? 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिलियंथ नंबर जो है, ये कह रहा है मिलियंथ नंबर, ये मिलियंथ नंबर जो है वो कितना है? तो ये मिलियंथ नंबर है आपका, किस तरह का नंबर है मिलियंथ नंबर? इवन है, तो इवन है इसलिए इकाई के स्थान पर 3 आएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझिए कि यहाँ पे 7 की साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। यानी पूरे नंबर्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जब पावर 4 होगा, 7 का पावर 4, 8, 12, इस सब तो 1 आएगा। जब पावर 4 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी पावर को 4 से भाग देंगे, तो शेष 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा,
चार तो बचेगा नहीं, चार से भाग दे रहे हैं, तो जब शेष तीन बचेगा यानी वो इस फैमिली का नंबर होगा तो इकाई के स्थान पे तीन आएगा, जब शेष दो बचेगा तो इकाई के स्थान पर ये आएगा, जब शेष एक बचेगा तो इकाई के स्थान पर ये आएगा। तो सेवन का पावर सेवन में हम सात से में इस चार से भाग दे रहे हैं तो इकाई के स्थान पर तीन बच रहा है पावर में से, और जब पावर तीन का हो तो इस फैमिली का मेंबर है तो इकाई के स्थान पर तीन आएगा, ठीक है। इसी तरह से सेवन का पावर सेवन यानी इस दो सेवन का पावर सेवन की वजह से तो थ्री आ गया, और थ्री का पावर सेवन करेंगे तो इसमें फैमिली का आएगा, इसकी भी साइक्लिसिटी फोर है तो हम फोर से डिवाइड करेंगे तो तीन बचेगा पावर, यानी वो इस फैमिली का होगा तो इकाई के स्थान पर सेवन आएगा। तो होपफुली यू गॉट इट, ठीक है। तो इसी तरह से लॉकडाउन में आपका खूब आनंद लीजिए, रूप से आपका लॉजिकल स्किल जो होगा अभी सीख पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।